नंद नगरी के D1 ब्लॉक में चली ताबड़तोड़ गोलियां और चाकू। एक शख्स को लगा चाकू, पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर ये घायल वो लड़का है जिसके चाकू लगा है, चोटें आई हैं। पुलिस मौके पर पहुंच के इस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल भर्ती कराया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि इलाके में स्मैक काफ़ी बिकता है, लोग स्मैक खरीदने आते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। रात जब स्मैक खरीदने कोई शख्स आए थे जो एक घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, उस बाप पे हवा में फायरिंग चल गई और चाकू भी चले, जिसमें एक शख्स के पैर में चाकू आया और लगा और चोट लगी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया। अब पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग और चाकू चलाए थे। नाम बताएं। मैं धनीराम। हाँ जी बताइए, क्या हुआ था, क्या घटना घटी? मैं ऊपर सो रहा था, आवाज़ आई, मैं नीचे आया जी। उसके बाद दो तीन फायरिंग हुई जी। हैं, उसके बाद लड़के को ले जा करके एक कोने पर मारा जी। हाँ, किन लोगों ने मारा? इधर से आए थे, बाइक से आए थे जी। हाँ, 10-15 बंदे आए थे। किस चीज़ से मारा? हॉकी वगैरह लेके आए थे। तो उसको कुछ चोट वगैरह भी आई है? चोट आई है, उसको अस्पताल गया लड़का। तो कोई चाकू वगैरह की जैसे बात हो रही, चाकू वगैरह कुछ ऐसे या गोली वगैरह कुछ ऐसी लगी? हाँ, चाकू लगा है। दीपक, दीपक बताइए क्या हुआ नंद नगरी में? भाई साहब, नंद नगरी में ये हुआ कि नंद नगरी में D1 45 में स्मैक का काम चलता है, उसके खिलाफ आज तक मेरी लड़ाई है। अच्छा। और आज भी गोली बंदूक के सब चल गई, फायरिंग भी गई, मेरे एक दोस्त के चाकू भी लग गया और मेरे एक दोस्त को मारा भी है जी। जी, पुलिस आई है, पुलिस की कार्रवाई पे मुझे भरोसा नहीं है। पुलिस मौके पर है? पुलिस मौके पर है मगर पुलिस पर भरोसा नहीं है मेरे को। पुलिस का ये नहीं पता पुलिस का क्या है, पुलिस 2 मिनट में कब किस पक्ष में हो किस पक्ष में हो। मैं तो साफ सुथरा इंसान हूँ, मैं तो गलत चीज के खिलाफ हूँ। तो जिसको चाकू लगे हैं, क्या वारदात हुई थी, किस तरह की घटना? वारदात ये हुआ था कि उसके घर के सामने गाड़ी खड़ी करी थी जी। वो बंदा स्मैक लेने आया था जी, मगर उसके बोलने के बाद करने के बाद वहाँ के इंसान ने कहा घर के सामने 50 गाड़ी खड़ी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। उस चीज में वो बंदा लड़ने के बाद तब उससे लड़ाई झगड़ा हो गया। तब उसके बाद करने जाने के बाद उसने अपने साथ के 10-12 बंदे लाकर, 10-12 बंदे लाने के बाद तब उसने उस बंदे पर प्रहार किया। तो कितनी चोटें लगी हुई हैं उसको व्यक्ति को? उस बंदे के एक चाकू लगा और बाकी लठ से मारा, अंदरूनी चोट लगी है। तो गोलियां वगैरह भी चली थी यहाँ पे? जिसकी हाँ, गोलियां भी चली हैं, 2-3 गोलियां चली हैं।